भाई साहब मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, बैंक थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और मेरे पास खर्चने के लिए थोड़े भी पैसे नहीं है। बस कितना जल्दी एटीएम पहुंचूं और कैश विड्रॉ करूं। देखो मैं शिनचैन और चॉप को अपने साथ ले जाता, पर फिर घर का ध्यान रखने के लिए कौन रहेगा, इसलिए अकेले जाना पड़ेगा। एक तो मुझे सारे फालतू खर्चे बंद कर देने चाहिए, आधे से ज्यादा पैसा तो मेरी नई गाड़ियों में चला जाता है। ये गाड़ी का शौक मुझे भारी पड़ रहा है। चलो गाइस बैंक आ चुका है। एक मिनट, वहां पर कुछ गिरा हुआ है। अबे ये तो पुलिस वाले, यहां पर पक्का कुछ तो हुआ था, इनको किसी ने मार दिया है। पर ऐसा किया किसने होगा यार, कहीं बैंक में चोरी तो नहीं हुई। जल्दी से जाकर चेक करते हैं। ओहो, यहाँ अंदर भी ऐसा ही हाल है, पक्का कोई लूटपाट करने आया ही था। पर ऐसा लग नहीं रहा कि किसी ने कुछ चोरी किया है। एक मिनट, यहाँ पर एक पुलिस वाला हिल रहा है, ये शायद हमें कुछ बता सके। सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या हुआ था, ये सब किसने किया? मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये सब कैप्टन अमेरिका का किया हुआ है। वो यहाँ पर आया, सबको मारा और चला गया। हमें नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओ भाई साहब, कैप्टन अमेरिका, ऐसा कैसे हो सकता है यार। गाइस मुझे लगता है टोनी से पूछना चाहिए, जल्दी से कॉल करता हूँ। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी मेरी बात ध्यान से सुन, कैप्टन अमेरिका का दिमाग खराब हो गया है, उसने बैंक में बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखो मुझे ये तो पता है कि ये उसने ही किया है, पर ये नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहा है। अबे तो पता करना। एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। चलो गाइस टोनी ने लोकेशन भेजी है, हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। कहीं कैप्टन अमेरिका को किसी ने काबू में तो नहीं कर लिया, वरना वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। चलो गाइस लोकेशन तो यहीं पर खत्म होती है। ये रहा टोनी। और एक मिनट, अबे ये क्या है, इतने सारे कैप्टन अमेरिका। अब मैं समझा, ये सारे जो कांड हुए है ना, ये असली कैप्टन अमेरिका ने नहीं किया, ये इनमें से किसी का काम है। तुम एकदम सही समझे, अचानक से शहर में बहुत सारे कैप्टन अमेरिका दिखाई देने लगे और वो जगह जगह पर तबाही मचा रहे थे। अब हम इनमें से असली वाले को नहीं पहचान सकते, तो अब हम क्या करेंगे, ये पता लगाना तो बहुत जरूरी है। तुमने ऐसे काम पहले भी किए हैं, ये तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। जल्दी से पता लगाओ कि इसमें से असली कैप्टन अमेरिका कौन है, मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगा। चलो अभी चलता हूँ, बस फ्रैंकलिन ये काम जल्दी से जल्दी कर ले। ये देखो बोल के चला गया, हमेशा ऐसा ही करता है। तुम सब मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि असली वाला कोई एक ही है। अब मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अगर तुम नकली वाले हो तो भी बच सकते हो। देखो पैसों की जरूरत तो सबको पड़ती है, और अब जब मैं बैंक गया था तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो मैं ढेर सारे पैसे उठा लाया हूँ। तो अब मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखने जा रहा हूँ, यहाँ पर रखूंगा मैं ढेर सारे पैसे। जो कोई नकली होगा वो सामने से आओ, ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ, तो मैं तुम्हें कुछ करूंगा भी नहीं, तो लिस्ट में से एक जन और कम हो जाएगा। तो बोलो कौन लेगा ये पैसे। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पैसे ले लेता हूँ। वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना है, अभी मैंने बहुत तबाही मचा ली, ये सारे पैसे मेरे हुए। मैं तुम्हें ये पैसे देने के लिए तैयार भी था, पर तुमने अपने मुंह से कहा कि तुमने बहुत तबाही मचाई है, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम नकली हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका इतना लालची नहीं है। तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, ये लो। ओ भाई साहब, सीधा हेडशॉट पड़ा गाइस, और इसकी पुंगी बच चुकी है। देखो ये था तो नकली, तो अब पता करना पड़ेगा कि इसके पीछे है कौन। तो जल्दी से नकाब हटाते हैं। 1 2 3 इबोनी, अबोनी क्या नाम है इसका, जो कोई भी है ये थैनोस का चमचा है। चलो गाइस अब बारी है यहाँ से आगे बढ़ने की, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे कैप्टन अमेरिका है। तो बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ, उससे पहले ये पैसे उठा लेता हूँ, लक्ष्मी का अपमान नहीं करते। तो चलो तुम लोग तैयार हो, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हमें जाना है दूसरे टास्क की तरफ। वैसे गाइस मैंने कुछ सोच रखा है, तो मैं पहुंच गया हूँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर होने वाला है दूसरा टास्क। तो तैयार हो जाओ, तुम्हें पीछे वो साइट दिख रही है, वहाँ पर एक क्रेन है, तुम में से किसी को वहाँ ऊपर जाकर खड़े होना है। उसके बाद क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो बताओ कौन जाएगा, जल्दी से सिलेक्ट कर लो। मैं जाऊंगा, बस वहाँ जाके खड़े ही होना है ना। हाँ हाँ बस खड़े ही होना है, चलो आ जाओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इसको नहीं पता गाइस आगे क्या करना है, इसलिए इसने हाँ बोल दिया। देखो यार सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, भागने की कोशिश मत करना वरना ढूंढ के मार दूंगा। चलो 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 चलो, फाइनली पहुंच ही गए यार, मैं थक भी गया हूँ। देखो अब आ जाओ और वहाँ कॉर्नर पर जाकर खड़े हो जाओ, चलो जल्दी आओ आगे। देखो डरना मत, बस वहाँ जाके खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, अभी जाकर खड़े होता हूँ, पता नहीं ये मुझसे क्या करवाएगा। ये लो मैं पहुँच गया हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है। ये मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, ये तो बहुत ही ऊंचाई पर है। अब वहाँ से छलांग लगाओ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। मैं यहाँ से छलांग नहीं लगाने वाला, ये बहुत ऊंचाई पर है। अरे यार ऐसे कैसे नहीं लगाएगा, गाइस अगर ये छलांग नहीं लगाएगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से जाके इसको तो चल मार छलांग। ओ गाइस ये तो खुद को बैलेंस भी नहीं कर पाया, देखते हैं ये बचता है या नहीं। ओ भाई साहब इसकी तो पुंगी बज गई। अब जल्दी से नीचे जाकर
चेक करते हैं ये बचा भी है या नहीं। आराम से आराम से आराम से। ओहो हो हो, कभी कभी पैराशूट को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। वो वहां पर गिरा हुआ है गाइस। अभी बारी है रिजल्ट की। देखो ये हिल तो नहीं रहा है, इसका मतलब एक ही होता है कि ये नकली वाला है। तो जल्दी से पता करना चाहिए इसके पीछे कौन है। 1 2 3 कर्ज ये भी मिला हुआ है। इन सबका संगठन बनाया किसने होगा। चलो छोड़ो अपने को, क्या आगे और भी बहुत सारी चीजें करने को। पता नहीं कौन कौन निकलेगा इनके पीछे से। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं तीसरे टास्क की तरफ, जो कि करने वाला है इन 6 में से कोई एक। यहाँ पर तुम्हें गाड़ी दिख रही है, तुम्हें बस उसके पीछे जाकर खड़े होना है, फिर मैं तुमको उस गाड़ी से बांध दूंगा। उसके बाद जो करना है वो तुम्हें नहीं करना, मुझे करना है। तो चलो बताओ ये टास्क कौन करेगा। ये मैं करूंगा, मुझे लगता है ये आसान होगा। ये लो मैं खड़ा हो गया। तो गाइज हमने इसे बांध दिया है। अब मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा था कि यार जो करना है मुझे करना है, उसका मतलब ये था कि मैं ये गाड़ी चलाऊंगा और तुम्हें घसीटते हुए लेकर जाऊंगा, तुम्हें बस सहन करना है। तो चलो तैयार हो ना। तो ये मैं चला भाई साहब। ये तो स्टार्टिंग में गिर गया गाइस। रुक जाओ मुझे चोट लग रही है, प्लीज रुक जाओ। आए तो इतनी चौड़ में थे कि मैं करूंगा, अब हालत खराब भी हो गई तुम्हारी। सहन करो थोड़ी देर, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को ये सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खाली घसीटी तो रहो। तुम चाहो तो बच भी सकते हो। कैसे बचूं, तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो, मैं तो खड़े भी नहीं हो पा रहा। अबे यार मेरा हुक खुल गया, जाकर चेक करना पड़ेगा कहीं भाग ना जाए। जल्दी जल्दी चलते हैं वापस। ये क्या, मुझे लगता है मेरे हुक के खुलने से पहले इसकी पुंगी बज गई थी। इसके शरीर ने तो जवाब दे दिया है, बस इतने में ये हार मान गया। इसका मतलब ये कैप्टन अमेरिका तो नहीं है। जल्दी से चेक करते हैं गाइस कौन हो सकता है इसके पीछे, देखने में मजा आता है। तो 1 2 3 थैनोस। ओहो भाई क्या बात है, एक सुपर विलन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास है पूरे के पूरे 5 कैप्टन अमेरिका, और उनमें से किसी एक की परीक्षा होने वाली है यहाँ पर। तो तुम लोग तैयार हो ना, ये टास्क बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो यहाँ पर एक बाइक रखी हुई है और सामने एक रैंप है, तुम्हें जाना है इसके ऊपर से जंप मारना है, और वहाँ सामने जो सर्कल है उसके अंदर से गाड़ी क्रॉस करनी है। ध्यान रखना अगर सर्कल तक नहीं पहुँचे तो बीच में बहुत सारे माइंस रखे हुए है, तुम वही पर ब्लास्ट हो जाओगे। तो चलो बताओ कौन करेगा। ये मैं कर लेता हूँ, मुझे लगता है मैं बाइक बहुत अच्छी चला लूंगा, मुझे बस जंप ही तो करना है। ये लो मैं बैठ गया हूँ, जल्दी से चालू करता हूँ, देखना मैं ये कैसे करूंगा। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, जितनी दूर से आके जंप मारूंगा उतनी ही जंप बड़ी होगी और मैं ये टास्क पूरा कर दूंगा, उसके बाद साबित हो जाएगा कि मैं ही कैप्टन अमेरिका हूँ। चलो बारी है पूरी स्पीड में बाइक को भगाने की, काश के ये मैं कर लूं। गाइस यार वो जा तो बहुत ही स्पीड में रहा है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जंप आने ही वाली है और ये मैं चला, क्या जंप मारी है मैंने। अरे नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, मैं तो वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं भाई साहब। नहीं गाइस ब्लास्ट की बहुत खतरनाक आवाज आई है, जल्दी से जाकर चेक करते हैं। ओ भाई साहब पुंगी बज गई इसकी तो। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी से देखते हैं इसके पीछे कौन है। बकी, अबे ये क्यों, ये तो कैप्टन का दोस्त भी है, कहीं हाइड्रा के कंट्रोल में तो नहीं। अबे यार आजकल किसका भरोसा करे कुछ समझ ही नहीं आता। चलो छोड़ो, भरोसेमंद तो वैसे भी कोई एक ही है जो उन चारों में से बचा होगा। तो गाइस अब बारी है इन चारों में से किसी एक का पर्दाफाश करने की। हम आ गए हैं मेले में जो कि बीच पर है, और ये वाला टास्क होगा यहाँ पर। इस टास्क में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पर मुझे, क्योंकि मैं बैठूंगा रोलर कोस्टर में और तुम में से किसी एक को इसकी पटरी पर खड़ा होना पड़ेगा। तुम वहां पर खड़े होगे, मैं आऊंगा रोलर कोस्टर में और तुमको उड़ा दूंगा। अगर तुम असली कैप्टन अमेरिका हुए तो बच जाओगे, वरना तो जो होगा खुद ही सोच लो। तो चलो तैयार हो ना। चलो इस बार मैं ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक काम करो तुम आ जाओ आगे। अरे यार तुम मुझे कुचलने वाले हो, प्लीज थोड़ा संभल कर करना, मैं जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तो गाइस वो वहाँ खड़ा हो चुका है, अब अपनी बारी है, जल्दी से जाते हैं। मैंने भैया को रुका के रखा है, वरना वो किसी और को बिठा के वो रोलर कोस्टर चालू कर देते। चलो 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 चलो, भैया जी मैं बैठने जा रहा हूँ, आप इसे स्टार्ट कर देना। तो गाइस ये हम लोग निकले, ये स्लो स्लो करके स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ ना मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि वहां से सीधा नीचे जाना होता है ना। हार ये हम जाने वाले, कैप्टन अमेरिका आने ही वाला होगा, बेचारे का क्या होगा पता नहीं। और ये गया बहुत स्पीड में, लगाए उसे, असली वाला होगा तो पक्का बच जाएगा। चलो भाई साहब पहुंच गए यहाँ पर, अब जाकर चेक करते हैं वो यही कहीं गिरा था। ये तो एकदम से ही गिर गया है, उठने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब ये है एक फेक कैप्टन अमेरिका। तो जल्दी से चेक करते हैं इसके पीछे कौन है। अबोमिनेशन। ओ भाई साहब ये पहले से ज्यादा मोटा हो गया ना। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, अभी भी बचे हैं 3, और इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल चीज है या फिर एक स्पेशल आदमी है जो कि ये टास्क करने वाला है, और वो है थॉर। देखो अगर जो कोई असली कैप्टन अमेरिका हो
होगा वो थॉर के सामने आराम से टिक जाएगा, मुकाबला टक्कर का होगा। पर अगर नकली वाला निकला तो थॉर उसकी पुंगी बजा देगा। चलो एक काम करो, मुझे पता है इसके लिए कोई मानेगा नहीं, तो मैं ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तुम आगे आओ, ये टास्क तुम करोगे। अरे यार वाह क्या बात है, आज मजा आने वाला है, तैयार होना। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने टिको और असली कैप्टन अमेरिका कहलाओ। अब ये लो। ये क्या, इसने तो मुझे रोका भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कैप्टन उठो, मैं तुम पर दया नहीं खा सकता, तो तुम भी मुझे फिलहाल दोस्त मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत खराब करने वाला हूँ। अब ये लो खाओ झटके, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली है, तब ये मेरे अटैक का सामना नहीं कर पा रहा। रुको मैं आ रहा हूँ, एक बार थोड़ी एक्स्ट्रा पावर लगा कर देखता हूँ, अब देखता हूँ इससे ये बच पाता है या नहीं। वाह क्या बात है, यहाँ पर तो आग लग गई है, कोई बात नहीं ये थोड़ी देर में बुझ जाएगी। तो गाइस आग खत्म हो चुकी है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, वरना हम भी जल सकते थे। तो देखो ये तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाया, इसका मतलब ये नकली है। तो जल्दी से चेक करते हैं इसके पीछे कौन है। गोल्डन अल्ट्रॉन, भाई साहब क्या बात है यार, दिखने में काफी मस्त लग रहा है। देख थॉर, अब दो कैप्टन अमेरिका बचे हैं, जिसमें से एक असली एक नकली है, पर ये पता करने के लिए मुझे तेरी मदद लगेगी। हाँ बोलो ना क्या चाहिए। मुझे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर चाहिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, चलो गाइस काम हो चुका है, अब बारी है उन दोनों में से एक का पता लगाने की। देखो तुम दोनों में से कोई एक असली है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इसका पता कैसे लगाना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो चलो गाइस बुलाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को। यार मेरे कपड़े ही फट गए। चलो अच्छा है बनियान और चड्डा तो बचा कम से कम। आप फटाफट बुलाते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकर, आजा मेरे भाई। थॉर के हथियार है काफी कमाल के। अब देखो मैं एक जन पर वार करूंगा, अगर वो बच पाया या थोड़ा सा घायल हुआ तो भी मैं समझ जाऊंगा कि वो कैप्टन अमेरिका है। आप जल्दी से पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये लो, ओहो, क्या बिजली निकल रही है। गाइस ये तो बेहोश हो गया है, जल्दी से जाके चेक करते आखिर में ये है कौन। अबे नहीं ये अचानक से गायब कैसे हो गया, अभी तो यही पर था यार। इसका मतलब वही मेन विलन है। हिम्मत है तो सामने आओ, डर क्यों रहे हो। ओ भाई ये तो रेड स्कल है। भाई साहब आते अटैक करना शुरू, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया यार, इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरा प्लान बिगाड़ कर। अच्छा तो तुमने नहीं किया, शहर में इतने लोगों को मारा है तेरी तो मैं। ओह यार ये तो खड़े होने का मौका ही नहीं दे रहा है, इसकी पुंगी तो बजानी पड़ेगी। अबे यार रुक जा, बहुत हो गया तेरी, तो मैं तेरा तो टकला ही फोड़ दूंगा। क्या फेंका है, और जरा देखो तो सही, अभी तो कैप्टन अमेरिका भी हमारी मदद करवा रहा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आजा कैप्टन मैं इसकी धुलाई करता हूँ, तब तक तेरे पास मौका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये लो। ओहो लगता है कैप्टन इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तेरी तो जा यहाँ से, ये ले और ये खा। ये तो कैप्टन पर भी भारी पड़ रहा है। चलो चलो गाइस अब बारी है अटैक करने की, पर एक मिनट ऐसा लग रहा है अटैक की जरूरत ही नहीं है, ये तो गया काम से, दो जन के सामने टिक नहीं पाया। चलो फाइनली इसे हरा दिया, माफ कर देना यार कैप्टन तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। नहीं तुमने तो उल्टा अच्छा काम किया है, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इतना तो चलता है यार। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।